ये ऑर्डर मैंने कब प्लेस किया था? कूलर जी का आपने ऑर्डर ट्वेंटी कैंसिल फिफ्थ मई को किया सर, है, कब कब प्लेस किया था मैंने? हिमांशु, 25 मई को आपने ये ऑर्डर ये प्लेस ऑर्डर ट्वेंटी किया था फिफ्थ मई सर। वाला अलग है, उससे पहले एक ऑर्डर कैंसिल किया था मैंने, जिसका नोवामैक क्या, का होगा और 100 लीटर का था, रैम्बो जूनियर। रैम्बो जूनियर, चेक हाँ कर लेता हूँ सर। सर इस पे जो है आपका बस कूलर कहीं से हो रहा है सर, किसी और आईडी से आपने किया था? भाई, इसी आईडी से किया था मैंने, इस पे चेक करो, ऑर्डर कैंसिल कर दिया था मैंने। और 100 लीटर का जो था आपका, ये 23 मई को आपने किया था यस सर। क्या प्रॉब्लम है भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारे फ्लिपकार्ट को, क्या क्या चक्कर चल रहा है इसका? 23 मई को ऑर्डर प्लेस किया था, कैंसिल कब किया मैंने? तो 24 को सर, क्या दिक्कत हो रही है फ्लिपकार्ट के साथ, वो पैसा वापस क्यों नहीं कर रहा है? रिफंड का अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है, चेक कर लेता हूँ सर लाइन करें। सर यहाँ पे जो आपका इनिशिएट जो बताया जा रहा है रिफंड का सर, वो 1 जून का बताया जा रहा है सर, क्योंकि जैसे कि 1 जून का बता रहे हैं सर यहाँ फर्स्ट पे। जून तक तो ये अपनी माँ चुदाएंगे, पिकअप करेंगे, बहन के लौड़े, ये फ्लिपकार्ट वाले बहुत बड़े मादर चोद हैं हिमांशु, समझो भाई। मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, सुनो, कि यस सर, मैंने 23 को ऑर्डर किया, 24 को कैंसिल कर जी दिया। अब ठीक है प्रॉब्लम सर, यहाँ पे हाँ ये हो रही है कि आपका जो फ्लिपकार्ट है उसके एस्केलेशन टीम से मेरे पास कॉल आई, मेरे पास जी, यही इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है कि 1 जून तक सेलर के पास पहुंचेगा, तब वो रिफंड दे के अपनी माँ चुदवाएगा। इनिशिएट करेगा। हाँ, अब ये यहाँ पे फ्लिपकार्ट वालों की कमी सबसे बड़ी ये है भाई हिमांशु, कि एक दिन में मैंने कैंसिल कर दिया, ना तो ये यस शिप सर, हुआ, ना तो ये डिलीवर हुआ, तो ये पिकअप कहाँ से जी होगा? पिकअप होने के जी लिए जी घर पे प्रोडक्ट तो होना चाहिए। हाँ, अवेलेबल होना चाहिए सर, होना तो चाहिए मेरे जी पास, तो फ्लिपकार्ट के यस साथ क्या सर। दिक्कत आ रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। दूसरी चीज़ ये है कि एक कॉल आई थी मेरे पास, ठीक है सर, 4471667800, ये नंबर नोट करना ज़रा। जी लाइन पर हैं सर, बोलिएगा। 4471667800। यस सर, 7800 जी, इस नंबर से कॉल आई, एस्केलेशन टीम से आई थी तुम्हारे, ठीक इस है पे सर, मैंने बात की, मैंने होल्ड पे रखा, अब मेरी कॉल कट गई इस बंदे के पास से। फिलहाल बात ठीक है, करने का कोई फायदा रहा नहीं है, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट जो है ना वो फालतू की बातें कर रहा है, और फिर मैं अब गाली भी दूंगा तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ कि छोटी सी चीज पे, कि ऑर्डर मैंने ठीक है प्लेस किया 23 मई को, शिप हुआ नहीं जी, ऑर्डर, अब ठीक है सर, प्रॉब्लम वहाँ कहाँ पे रही है? 1 जून तक क्यों बंदा वेट करेगा प्रोडक्ट पिकअप होने का? अब मैं गलत हूँ तो बताना, प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, यस सर, ठीक है? और इसके जी, नीचे एक नोट बना लेना, इन्होंने क्या रिस्पॉन्स मेरे को दिया है मेरे ग्रीवेंस पे, ग्रीवेंस जी नंबर भी नोट करना, सब नोट में डालना, ठीक यस है? सर, जी एक सेकेंड रुक जाओ, सब डालना नोट में, मैं जितना कह रहा हूँ। और सर, 584 13 70। 7 0 यस सर, जी। इन्होंने क्या आपको, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि सर एस्केलेशन से आपकी ये कॉल आई थी राइट ग्रीवेंस सर, नंबर हाँ दे दिया ना मैंने, अब इसके नीचे इनका रिस्पांस लिखना, कंपनी रिमार्क करके, फ्लिपकार्ट रिमार्क करके उसको लिखना, जी इन्होंने लिखा है वी आर सॉरी फॉर द ट्रबल कॉस्ट। चलो इसको हटाते हैं, यस सर, मेन मुद्दे पे आते हैं। वी वुड लाइक टू जी इन्फॉर्म यू दैट पिकअप इज शेड्यूल्ड बाय द सेलर एंड द प्रोडक्ट विल बी पिक्ड ऑन और बिफोर जून 1, 2024। इसी यस सर, लैंग्वेज में लिखना, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट पिकअप इज शेड्यूल्ड बाय द सेलर एंड द प्रोडक्ट विल बी पिक्ड अप ऑन और बिफोर जून 1, 2024। प्लीज यस कीप द सर, इनिशियली डिलीवर्ड आइटम रेडी अलॉन्ग विद ऑल द एक्सेसरीज एंड प्राइस टैग्स इन द ओरिजिनल प्रोडक्ट बॉक्स। यार मेरे पास प्रोडक्ट आया ही नहीं है, जब प्रोडक्ट आया ही नहीं है मैंचो, और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? मुझे गुस्सा नहीं आएगी तो मैं क्या करूँ, बताओ जरा। जी,
इसमें मेरा फॉल्ट है। अब उसमें उसके बाद लिख रहे हैं सेलर विल वंस इट इज कंफर्म्ड विल बी क्रेडिटेड बैक विद यू। भाई जब मेरे पास प्रोडक्ट है ही नहीं तो क्यों ये फ्लिपकार्ट वाले क्यों कर रहे हैं भाई, मेरे को समझाना जरा। भाई तुम्हारे पास भी वही इन्फॉर्मेशन होगी, मैंने तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट फॉर अ रेफरेंस आई रिकॉर्डेड दिस कॉल एंड दिस इज नॉट द सर्विस आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम फ्लिपकार्ट। यू नो आई डोंट वॉन्ट टू यूज प्रोफेनिटी एंड अब्यूसिव लैंग्वेजेस बट दिस इज गेटिंग सो रॉन्ग यार। यू आर द ओनली एजेंट टू अंडरस्टूड एंड स्टिल ऑन दिस कॉल। It is my frustration what I am telling you. I have ordered the product on 23rd May and I have cancelled it on 24th May and in that one day of duration, okay, they are taking a long time by 21st of June to initiate the refund. I don't have the product. I don't know the tracking status. What is wrong with the Flipkart? Why they are operating their business? And when I ask them for the refund, they keep on telling me that seller will refund back the amount once it will reach back to the warehouse, will reach back to them, then they will issue the refund. Yes, Mr. I keep on getting the same response and for that very reason I am so frustrated. I don't know what should I do. Again, if I'll get the refund or not, I don't even know because they are not responding in a proper manner. I don't have a proper email by them. They are not responding. They keep on writing the same thing. We are sorry. We have escalated. You will get the call by 26. What is this response here? I don't have the product. I have cancelled it in a one day and they cannot refund my money back. The item is not yet shipped and they are giving all such excuses. Does that make any sense? Think in yourself. Place yourself in my shoes. You will understand what my frustration is right now. Yes, sir. Let me stop this recording.